मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। बता दें कि आज वह बुधवार को पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल यानी शुक्रवार को सुबह 11 बजे तक अगर विधायकों को राज्यपाल टाइम नहीं देते तो एमएलए हॉस्टल से राजभवन तक मार्च करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव सदन में ला रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि शहीद किसान के परिवार को 2 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बता दें कि इससे पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक ली। इस दौरान किसान आंदोलन में सरकार के रुख को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि आगामी बजट सत्र को लेकर कांग्रेस विधायकों की क्या रणनीति होगी, अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर भी विधायक मंथन करेंगे। इस अवसर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जगबीर मलिक, सुभाष गांगुली, मोहम्मद इलियास, शकुंतला खटक, गीता भुक्कल, मेवा सिंह, आफताब अहमद, जयवीर वाल्मीकि, किरण चौधरी, इंदु राज नरवाना आदि मौजूद रहे। चंडीगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। आज कांग्रेस विधायक दल की जो मीटिंग थी उसमें जो आज किसान बैठा है 70 दिन के करीब इस सर्दी में बैठा है, अपनी मांग लेकर आंदोलन कर रहा है, उसके बारे में चर्चा हुई और ये फैसला किया गया कि क्योंकि किसान आंदोलन के जो नेतृत्व कर रहे हैं किसान, उन्होंने ये फैसला किया है कि भाई वो कोई राजनीतिक दल को अपनी स्टेज और उस पर नहीं आने देंगे, नहीं आना चाहते वो, तो उनका सम्मान करते हुए ये फैसला किया गया। सभी विधायकों से ने फैसला किया कि उनका समर्थन और जो भी मुमकिन हो सके उसकी मदद करेंगे। उसी संदर्भ में जो जिनों की जान गंवाई गई वहाँ पर शहीद हुए बॉर्डर पे, उनको विधायक दल की तरफ से 2-2 लाख रुपए भी पहुँचाए गए हैं और वो कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी फैसला किया कि जो आज परिस्थिति है हरियाणा में, जिस प्रकार की सरकार कार्रवाई कर रही है, आपका इंटरनेट काट दिया, जो किसान धरने बैठे हुए बिजली काट दी, कभी पानी काट दिया, शौचालयों का जो प्रबंध था वो पूरा नहीं, अब मानिए जो फैसले लिए हैं उनका विरोध किया है और सरकार से कहा जो उनको तुरंत इंटरनेट भी, बिजली भी और सुविधाएं का प्रबंध किया जाए। कि जो इंडिपेंडेंट विधायक थे उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, जो इनके सहयोगी दल है, जो गठबंधन में जो शामिल है, उनके विधायक रोज बयान दे रहे हैं और ऐसे 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 बयान दे रहे हैं, उससे प्रतीत होता है जब 26 अगस्त का कार्यक्रम जिस मंत्री की जहाँ ड्यूटी थी वहाँ ना देकर और कोई शिफ्ट करा है, 26 जनवरी के कार्यक्रम को शिफ्ट करना पड़ा। ये साफ जाहिर है कि बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, कि ये सरकार जो है लोगों का और विधायक का विश्वास खो चुकी है, इस वास्ते अविश्वास प्रस्ताव लाने का पास किया है और एक जो रेजोल्यूशन लेके आएंगे वो असेंबली में कि जो ये 3 कृषि कानून है जो किसान के अहित के हैं, केवल किसान नहीं, उसमें किसान भी, गरीब आदमी भी, मजदूर भी और उपभोक्ता भी, और जो राशन कार्ड होल्डर जिनको अनाज सस्ता मिलता है उनको भी उस बात में दिक्कत आएगी, उनके ऊपर भी वो भी प्रभावित होंगे। तो ये देखते हुए उन कानूनों को रद्द करने के लिए हम असेंबली से पास करवाएंगे, उस प्रस्ताव वहाँ रखेंगे ताकि वो कानून रद्द किए जाएं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.